चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब रोकने की दरख्वास्त काबिले समाअत करा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। अदालत ने पीटीआई के 5 सेनेटर्स के इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात भी दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया। पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डेप्टी चीफ सेनेट का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया था। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास, सियासी और कानूनी मामलों पर गौर। चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। इजलास में बानी पीटीआई के मुकदमात पर भी ब्रीफिंग। सेनेट के नौमुंतखब अरकान की हल्फ बरदारी। चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कल होगा। इस हकदार सेनेट इजलास के बतौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। यूसुफ रजा गैलानी पीपल्स पार्टी की जानब से चेयरमैन सेनेट नामजद। अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी ने रबतों का अमल तेज कर दिया। खसूसी कमेटी के अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से रबते। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपीपी उम्मीदवार यूसुफ रजा गैलानी से शरी रहमान और नवीद कमर का रबता। इंतखाब के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया। मुल्की मसाइल हल करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। चैलेंजेस का सामना करते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ताजरों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत तवानाई के मसाइल पर जल्द काबू पालेगी। बिजली महंगी और उसका गैर जरूरी इस्तेमाल भी जारी है। वजीर तजारत जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईद बुध को होगी या जुमेरात को, हर कोई जानने के लिए बेताब। ईद का चांद कल नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोए तहलाल कमेटी का इजलास कल होगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को। ईद की खुशियां अपनों के संग। घर जाने के लिए परदेशियों ने लारी अड्डों का रुख कर लिया। टिकटों के हसूल के लिए शहरियों की एक अड्डे से दूसरे अड्डे के चक्कर। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। मुसाफिरों की ओवरचार्जिंग की भी शिकायत। लाहौर में ओवरचार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने आए। मुकर्रर तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 146 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। शाहदरा चौक बेगमकोट चौक समेत 10 मकाम पर ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ टीमें तैनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़ के हमरा उमरे की अदायगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा का तवाफ़ किया और दीगर अरकान के हमरा उमरा अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ियारत खास करवाई गई। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खसूसी दुआ। फ़लस्तीन और मकबूज़ा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर इक्तिसादी राबता कमेटी की तशकीलें नौ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार को ECC का रुकन बना दिया। वज़ीर सनअत और पैदावार की शमूलियत के बाद ECC अरकान की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई। वज़ीर ख़जाना इक्तिसादी राबता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने ECC की सरबराही खुद करने का फैसला वापस लिया था। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए कवायफ इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर करवा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आवाम पर दोबारा पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1.54 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 5.73 रुपये फी लीटर इजाफा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान 15 अप्रैल को होगा।
चूड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, मेहंदी भी ले रहे हैं हर साल की तरह, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। चूड़ियाँ भी नहीं ली, झुमके भी नहीं लिए और उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। चार रात तक हम लड़कियों की शॉपिंग नहीं कम्प्लीट हो सकती। ईद की तैयारी तो हमारे साथ ही हो गई है, बस कपड़े और जूते रहेंगे जो चांद तक रात तक खत्म नहीं होने हमारे। जोड़े हमारे हो गए थे, बस ज्वेलरी रह गई है, जूते और छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। ईद शॉपिंग वैसे तो कम्प्लीट है बट हाँ एक्सेसरीज चाहिए, उसी के लिए आई हूँ यहाँ पे आज। ईद पर खूबसूरत नजर आने के जतन, वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में रश। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी, खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र, चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश, जगह जगह भाव ताव, मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा, बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शॉपिंग के लिए पुरजोश। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेशियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला तेज, लारी अड्डों पर रश, टिकटों के हुसूल के लिए शहरियों के एक अड्डे से दूसरे अड्डे के चक्कर, किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया, मुसाफिरों की ओवर चार्जिंग की भी शिकायत, लाहौर में ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माना आयद, मुकर्रर तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 146 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, शाहदरा चौक, बेगम कोट चौक समेत 10 मकाम पर ओवर चार्जिंग और ओवर लोडिंग के खिलाफ टीमें तैनात। जजेस को धमकी आमेज खत लिखने वाला एक ही है, एक ही शख्स ने रेशम, रेशमा और गुलशार खातून के नाम से खत लिखे, धमकी आमेज खतूत भिजवाने का एक ही मास्टरमाइंड है, आर्सेनिक भी इसी ने खरीदा, फॉरेंसिक रिपोर्ट सीटीडी को मौसूल हो गई, पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल, खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मकदार जहरीली नहीं थी, जजेस को भिजवाए गए मशकूक खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। तमथिन बच्चे के दस्तावेजात तब्दील करके बैरून मुल्क को लेकर जाने का केस, लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खारिजा इसहाक डार से अगली समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली, अगली पेशी पर आपके वज़रा को बुलाएंगे, एक साल हमारा इस तरह से ज़ाया किया गया कि मुल्ज़िम पकड़ा गया है, आपने बदनामे ज़माना लोग भर्ती किए हुए हैं, हर करप्ट बंदा अहम ओहदे पर मौजूद है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सेक्रेटरी खारिजा से मुकालमा, हम पूरी कोशिश करेंगे, सेक्रेटरी दाखिला का जवाब, कोशिश आप तीन साल से कर रहे हैं, हमें एक माह में नतीजा चाहिए वरना हम आपके वज़रा को बुलाएंगे, अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने राबिया बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम के ऑस्ट्रेलिया में सैर सपाटे, वसीम अकरम ने अहलिया शनीरा और बच्चों के साथ दो घंटे बोट राइड की, वसीम अकरम ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ग्रेट बैरियर रीफ हमेशा से देखने की ख्वाहिश थी। सर्दी के बाद वादी शिगर में मौसम बहार की दस्तक, दरख्तों पर नए शगुफों की महक से फिजा मुअत्तर, उबानी के दरख्तों पर खिले फूलों ने वादी के हुस्न को दिलफरेब बना दिया।